अब जो है हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। इस एग्जाम्पल में एक टावर दिया गया है जिसका हाइट है 100 मीटर। इस टावर से एक बॉल को 50 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया गया और एक दूसरा बॉल उसी इंस्टेंट पर नीचे से ऊपर की तरफ 50 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया गया। हमें बताना है कि कितने हाइट पर ये दोनों जो है बॉल टकराएंगे। तो इसके लिए हम लोग काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज करेंगे। मैं इसमें मान लेता हूं कि ये जो बॉल है वो ए है और ये वाला जो बॉल है ये है बी। मैं नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव और ऊपर के डायरेक्शन को इस बार निगेटिव ले लेता हूं। तो पहला काम हम लोग ये करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी। तो ए की वेलोसिटी नीचे है तो वो आ जाएगा प्लस और बी की वेलोसिटी ऊपर है तो उसको लिखेंगे माइनस 50, यानी कि ये हो गया 100 मीटर पर सेकेंड, है ना। अच्छा, उसके बाद जब हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, है ना। यहाँ पर वेक्टर लगाना चाहिए, मैं नहीं लगा रहा हूँ, है ना। आपको ध्यान रखना है वेक्टर लगाए या नहीं लगाए, वेक्टर यूज हमेशा करना है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए जो है वो भी है नीचे की तरफ जी और एक्सेलरेशन बी जो है उसके लिए भी नीचे की तरफ जी। दोनों पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे ही है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो दोनों का एक्सेलरेशन जी है, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया जीरो, ठीक। अब लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। बी यहां पर ऑब्जर्वर है, तो जैसा कि मैंने बताया जब भी हम लोग रिलेटिव मोशन की बात करते हैं तो मानते हैं कि बी जो है वो अपने आप को स्टेशनरी समझता है, जो ऑब्जर्वर है वो अपने आप को स्टेशनरी समझता है। तो अगर ये रुका हुआ हो तो ए को इससे मिलने के लिए, टकराने के लिए कितना आना पड़ेगा, 100 मीटर, यानी इसके रिलेटिव में उसको 100 मीटर डिस्प्लेस हुआ होना पड़ा होगा। तो वो आया होगा नीचे, नीचे चूंकि पॉजिटिव डायरेक्शन लिया है तो ये हो जाएगा प्लस 100 मीटर, है ना। तो पहला काम हम लोग ये कर सकते हैं कि ये पता कर लेते हैं कि कितने टाइम बाद जो है ये टकराएंगे। उसके लिए जो फॉर्मूला है हम लोग यूज कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। बी के रेस्पेक्ट में ए का डिस्प्लेसमेंट, बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी, बी के रेस्पेक्ट में ए का एक्सेलरेशन, ए इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये दिया है 100 और जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो भी आया है 100, टाइम जो है वो हमें फाइंड करना है और रिलेटिव एक्सेलरेशन आया है 0, तो ये टर्म तो हो गया 0। तो यहां से जो टी की वैल्यू है वो आ जाएगा 1 सेकेंड, ठीक, यानी 1 सेकेंड बाद ये दोनों टकराएंगे। तो ये हमने रिलेटिव से जो टाइम वाला फैक्टर है, चाहे किसी के रिलेटिव में देखें या ग्राउंड के रिलेटिव में देखें, टाइम तो उतना ही होता है, एक ही इंस्टेंट पर टक्कर होगा, चाहे ग्राउंड पर बैठ के कोई देखे या कोई चलता हुआ दिख रहा हो, है ना। इसलिए टाइम की वैल्यू किसी फ्रेम में निकाली जा सकती है। अब हमें निकालना है हाइट, तो 1 सेकेंड में ऊपर वाला बॉल जितना नीचे आया होगा उतना उसी पोजिशन पर जाकर टकराएंगे, या यूं कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में ये कितना ऊपर गया होगा वहीं पर जाकर टकराएंगे। तो अब जो है क्योंकि ये हाइट हमें ग्राउंड के रिलेटिव में बताना है, तो ग्राउंड के रिलेटिव में मैं निकालता हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर, इसको यूज करेंगे। तो ए का डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, उसकी वेलोसिटी है प्लस 50 नीचे की तरफ है, इसलिए टाइम है 1 सेकेंड और एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ जी के बराबर, है ना, और टाइम फिर से 1। तो देखेंगे कि ये 50 है और ये आ जाएगा 5, यानी कि ये हो गया 55 मीटर। तो वो जो है 45 मीटर नीचे आया होगा, यानी नीचे से, है ना, ये अगर 55 नीचे आया है इसका मतलब ये हुआ कि नीचे से 45 मीटर के हाइट पर दोनों टकराए होंगे। आप चेक कर सकते हैं ए जो है 55 नीचे आया है तो बी 1 सेकेंड में 45 मीटर ऊपर गया होगा, वो भी चेक कर लेते हैं। एस बी इज इक्वल टू यू बी इंटू टी प्लस हाफ ए बी इंटू टी स्क्वायर। तो बी का जो
वेलोसिटी है वो निगेटिव है, ऊपर की तरफ है, तो मैं लिखूंगा माइनस 50 इंटू 1 प्लस हाफ। एक्सेलेशन इसका भी नीचे की तरफ है, जी के बराबर 10 इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये देखेंगे माइनस 50 और ये कितना है, ये है प्लस 5, तो ये हो गया माइनस 45, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो B है इसकी वेलोसिटी हमने लिया है यहां पर, माइनस का मतलब है यहां पर ऊपर की तरफ, तो यहां से 45 मीटर ऊपर, ये देखेंगे ये माइनस आया है, तो यानी कि ऊपर की तरफ 45 मीटर पर जाकर के ये टकराया होगा, वो 55 मीटर नीचे आया होगा और ये 45 मीटर नीचे आया होगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, हमने फॉर्मूला लगाया और ये सोल्व हो गया। अगर कोई इमेजिन कर सकता है तो वो कैसे करेगा, बिल्कुल आसान तरीका ये है कि देखेंगे कि इनके और इसके बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन है जीरो। अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी इनकी कितनी आएगी, 50 प्लस 50, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो जुड़ जाएगी दोनों तरफ से, तो 50 प्लस 50 रिलेटिव वेलोसिटी होगी 100 और वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एस इज इक्वल टू वी टी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। तो एस जो है वो 100 है और रिलेटिव वेलोसिटी मतलब एस रिलेटिव इज इक्वल टू वी रिलेटिव इंटू टी, तो डिस्प्लेसमेंट होना है 100, रिलेटिव वेलोसिटी है 100, तो टाइम आ जाएगा 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड पर ये टकराएंगे। तो यहां से हमने एक चीज ये सीखा कि कोई भी प्रोजेक्टाइल हो, जब भी प्रोजेक्टाइल हवा में होते हैं तो उनका एक्सेलरेशन तो जी ही होता है, जैसे ये दोनों भी प्रोजेक्टाइल ही थे, है ना। तो दो प्रोजेक्टाइल के बीच में चूंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होता है, इसका मतलब ये हुआ कि उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट होती होगी। रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ कि रिलेटिव वेलोसिटी का ना डायरेक्शन चेंज होगा ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो बिल्कुल सीधा चलते रहना चाहिए उसको। सीधा चलने का मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर चलेगा। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, जब एक प्रोजेक्टाइल दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखेगा तो दूसरा प्रोजेक्टाइल हमेशा स्ट्रेट पाथ पर चल रहा होगा। तो इस कंक्लूजन को मैं यहां पर नोट करूंगा और उस पर एक बेस्ट क्वेश्चन भी करेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दो प्रोजेक्टाइल जो होते हैं उनके बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होता है, और जब रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट रहने का मतलब कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होता, इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में दूसरा प्रोजेक्टाइल हमेशा सीधा चल रहा होगा। सीधा चलने का मतलब ये हुआ कि उसका जो पाथ होगा वो स्ट्रेट पाथ होगा। तो उसी को मैंने यहाँ पर नोट के फॉर्म में लिखा है ताकि इसको आप नोट करेंगे और आगे जो है कई सारे प्रॉब्लम में इसको यूज कर सकते हैं। मैंने लिखा है, सिंस रिलेटिव एक्सेलरेशन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल्स इज ऑलवेज जीरो। ऑलवेज जीरो इसलिए क्योंकि हम लोग मानते हैं कि हमेशा ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो है प्रोजेक्टाइल चलता है, तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा जी होना चाहिए। जब दोनों का एक्सेलरेशन जी है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है जी माइनस जी यानी कि जीरो आना है। फिर सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन प्रोजेक्टाइल एज सीन बाई अदर प्रोजेक्टाइल विल रिमेन कॉन्स्टेंट। रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहेगा, इट मीन्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी डू नॉट चेंज, है ना। ना डायरेक्शन चेंज होगा रिलेटिव वेलोसिटी का, ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा। डायरेक्शन नहीं चेंज होने का मतलब ही है कि सीधा चलेगा। सीधा चलने का मतलब स्ट्रेट पाथ होना चाहिए। सो पाथ ऑफ वन प्रोजेक्टाइल एज सीन बाई अनदर प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, है ना। अब ये जो कॉन्सेप्ट सीखा इसको हम लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसमें देखेंगे कि दो पार्टिकल है, दो पार्टिकल या दो प्रोजेक्टाइल है, इनको अलग अलग एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया। एक को 37 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया गया इधर, और दूसरे को जो है वो 53 डिग्री पर इधर प्रोजेक्ट किया गया है, है ना। तो हमें बताना है कि 1 सेकेंड बाद इनके बीच में सेपरेशन कितना होगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि दोनों का एक्सेलरेशन चूंकि जी है तो इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है।
यानी रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए, है ना। तो होगा क्या, शुरू में देखेंगे इनके बीच में सेपरेशन है जीरो, तो जो भी किसी टाइम टी पर जो रिलेटिव सेपरेशन आएगा या एक के दूसरे के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट आएगा, वही इनके बीच का सेपरेशन भी होगा, क्योंकि शुरू में जो सेपरेशन है वो जीरो है। ठीक, अब जो है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक छोटा सा तरीका बताता हूं। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था कि एक आदमी है ना, एक आदमी है और यहां पर एक ट्री था, ठीक है। ये आदमी जा रहा था 16 से और ट्री तो स्टेशनरी था, तो हम लोग करते क्या है कि अगर ऐसा करना हो कि इसके रेस्पेक्ट में, आदमी के रेस्पेक्ट में ट्री का वेलोसिटी देखना हो, तो क्या करेंगे, आदमी की जो वेलोसिटी है यानी जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन उल्टा कर देंगे और उस ऑब्जेक्ट पर लगाएंगे जिसका मोशन देखना है, रिलेटिव मोशन देखना है। अगर हमारे लिए ये ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी उल्टा करके उस पर लगाएंगे, यानी कि डायरेक्शन उल्टा कर दिया, मैग्नीट्यूड वही रहने देंगे, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि जब ये ऑब्जर्वर इस ट्री को देखेगा तो ये ट्री जो है उल्टा डायरेक्शन में 16 मीटर पर सेकेंड से आ रहा होगा। ये जो तरीका है वो हमेशा काम करेगा, आगे खूब सारे हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस तरीके से, है ना। तो करना क्या है कि जब भी किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में देखना हो किसी ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को उल्टा करके उस ऑब्जेक्ट पर लगा देंगे और फिर उसकी रिजल्टेड वेलोसिटी जो भी निकालेंगे वो रिलेटिव वेलोसिटी बताएगा। और ये हमने चेक भी किया था, -16 i cap आया था जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, तो वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू मैन -16 i cap आया था। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक ये है और दूसरा पार्टिकल ये है, तो दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर पहले का निकालना हो, है ना, इसके रेस्पेक्ट में इसका निकालना हो, तो मतलब ये जो है एक तरह से, या इसके रेस्पेक्ट में उसका निकालना हो, दोनों निकाल सकते हैं। मैं क्या करता हूं, इसको ऑब्जर्वर मान लेता हूं, है ना। तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी उसमें क्या करेंगे, उल्टा करके जोड़ देंगे, तो वेलोसिटी जो है इसको उल्टा करके उसमें जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा इधर 30 और ये इधर 40 है, है ना। यानी कि अब मैं क्या कर रहा हूं, ये इसके रेस्पेक्ट में इसका मोशन देख रहा हूं, तो इसकी वेलोसिटी एक तो 40 थी और एक ये है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी कितना आएगा, देख सकते हैं, ये 40 है, ये 30 है और ये 90 डिग्री के एंगल है, है ना। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, ये आ जाएगा कहीं इधर और ये आएगा आपका 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर का रूट, यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड। यानी मैंने क्या किया कि इसको रोक दिया, इसको रोक दूंगा तो ये वाला जो है 50 मीटर पर सेकेंड से चल रहा होगा, और 50 मीटर पर सेकेंड से जब चल रहा होगा तो एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 50 मीटर ट्रेवल करेगा एक सेकेंड बाद पूछा गया है, तो एक सेकेंड में ये 50 मीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करेगा। तो इसका आंसर है 50 मीटर इनके बीच का सेपरेशन होगा। ठीक, अब कोई ऐसे भी कर सकता था कि सब कुछ जो है कुछ, चूंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन हटा दो, एक सेकेंड में ये कितना जाएगा 40 मीटर और एक सेकेंड में ये कितना जाएगा 30 मीटर, तो दोनों के बीच का सेपरेशन ये कितना हो गया, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, 37 53 90 होता तो ये भी 90 हुआ, ये हो गया 40 गया ये और ये गया 30, तो दोनों के बीच में सेपरेशन जो हो गया ये 50 मीटर हो गया। ऐसे भी